हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं बापा क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप करोड़ों लोगों जैसा सोचते हैं तो करोड़ों लोगों जैसा ही कार्य करेंगे, और जब आप करोड़ों लोगों जैसा ही काम करोगे तो रिजल्ट भी उन्हीं के जैसा हासिल करोगे, अर्थात आप करोड़ों लोगों जैसे ही बन जाओगे। करोड़ों लोगों के जैसे बनने का मतलब है कि करोड़ों की भीड़ में शामिल हो जाना, और करोड़ों की भीड़ में शामिल होने का मतलब है कि आपको कोई नहीं पहचानता। क्योंकि आप करोड़ों लोगों जैसे ही हो जाते हो, उन्हीं के जैसा कार्य करते हो, तो आपकी कोई पहचान नहीं बन पाती। क्या आप चाहोगे कि आपकी कोई पहचान न बने? मुझे लगता है आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। आप चाहते हैं कि करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग अपनी एक पहचान हो। आप लोगों जैसा काम न करें, बल्कि लोग आपके जैसा कार्य करना चाहे, इसके लिए आपको बस एक छोटा सा कार्य करना होगा, और वो कार्य है आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जी हाँ, आपको अपने सोचने का तरीका करोड़ों की भीड़ जैसा नहीं, बल्कि उससे अलग करना होगा। जब आप करोड़ों से कुछ अलग सोचेंगे तो करोड़ों से कुछ अलग करेंगे, और जब आप करोड़ों से कुछ अलग करेंगे तो करोड़ों से कुछ अलग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप सफल लोगों में शामिल हो जाएंगे, आपकी एक अलग अपनी पहचान होगी, और करोड़ों लोग आपको जानने लगेंगे। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ। मुकेश अंबानी टेलीकॉम कंपनी जियो को सबके सामने लेकर आए, जबकि इस समय टेलीकॉम कंपनीज में प्रतियोगिता बहुत होने के बावजूद जियो को सक्सेस मिल गई। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी की सोच अलग थी। अधिक पैसा लगाकर जियो को फ्री और सस्ता देकर उन्होंने अपनी कंपनी की डिमांड बहुत बढ़ा ली। अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि बुक्स दुनिया में सभी लोगों तक आसानी से बिक सके। अपने इसी विचार के रिजल्ट के रूप में उन्होंने अमेजॉन की स्थापना की, जो आज एक बहुत बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने मोबाइल कंपनीज में बढ़ते कंपटीशन की ओर ध्यान न देकर अपने प्रोडक्ट को सस्ता नहीं बनाया, बल्कि मोबाइल क्वालिटी और ब्रांड पॉपुलैरिटी की ओर ध्यान दिया और सफलता प्राप्त की। दोस्तों, इन सभी फेमस पर्सन ने भीड़ से हटकर कुछ अलग सोचा और सफलता हासिल की, जिसे पूरी दुनिया जानती है। सफल लोग अलग सोचते तो आप भी सोचे। आइए अब मैं आपको कुलदीप का एक उदाहरण देकर बताता हूँ। कुलदीप की एक किराने की दुकान है। वो अपने शहर की अन्य किराने की दुकान जैसा ही पैसा कमा पाता था, लेकिन कुलदीप को अपने कारोबार में कुछ अलग करने की एक जिद थी। अपनी इसी जिद के कारण उसने अपने शहर में कुछ अलग और कुछ नया करने का एक विचार सोचा। उसने अपनी दुकान में 10 नए लड़के काम पर रखे और उनसे कहा कि शहर में इस बात का प्रचार करो कि हमारी शॉप से फ़ोन पर भी ऑर्डर बुक किए जा सकते हैं, और साथ ही हम उन्हें कुछ डिस्काउंट भी देंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। धीरे धीरे उनका यह बिजनेस शहर में बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, और उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान शहर की सबसे बड़ी किराने की दुकान बन गई। दोस्तों, कुलदीप यह तब कर पाया जब उसने अपने शहर में कुछ नया, कुछ हटकर, भीड़ से अलग कुछ सोचा। आप भी यदि दुनिया से हटकर कुछ अलग सोचे तो कोई अच्छा और बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो आइए, देर किस बात की, आज ही से इसकी शुरुआत कर दीजिए। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा।